ये आपने इतने दूर आके इसी वक्त थनबेरी का ये प्लांट और ये जंगल ये ढूंढा कैसे? बड़ी अजीब कहानी है, हम ऐसे घूमने आए थे 15-16 साल पहले, 16 साल पहले हाँ, और फिर जो हमने ये बेर देखी नेचुरल क्यूरियोसिटी थी क्योंकि हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ और जड़ी बूटियों में काम, तो हमने आके देखी बेर सी हमने निकाली, जैसे नेचुरल बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है उसको निकाल के अपने मुंह में डाल के टेस्ट किया, खट्टा था, लोकल लोगों से बात करी कि क्या चीज़ है भैया ये, बोलते हम तो इसको लोकल लैंग्वेज में सस्ता लुलू कहते हैं और ये तो हम जब सस्ता लुलू और इसको हम खाते हैं और इससे क्या होता है बीमारी नहीं होते हम और हमारी, तो कहता है कि मेरी उम्र है 70 साल की, अगर आपकी उम्र 70 साल की तो आपके माता पिता हैं अभी? हाँ ज़रूर हैं, गाँव में रहते हैं हम आराम से खुशी से, कुछ नहीं होता किसी को, कभी हॉस्पिटल नहीं गए हम। फिर हमारी क्यूरियोसिटी जागी, हमने इसके बारे पता किया, इस पर रिसर्च शुरू किया और आज यहाँ है और ये देखिए क्या लवली सराउंडिंग। अब जब मैं देखता हूँ कि कितनी मुश्किल से, आप खुद देखिए एक बेरी का साइज मैं आपको दिखाता हूँ, वो तेरी एक आधा काटा चुभने दो, देखिए अब खुद देखिए इस बेरी का ये साइज है, इसमें एक डिब्बा भरने के लिए, मैं डिब्बा दिखाता हूँ अब आपको, अब इसमें ये डिब्बा भरने के लिए अब खुद देखिए ये कितनी बेरी लगेंगी, कम से कम जहाँ से हम यहाँ तक आए हैं जितना ये इसमें जंगल में ये सारे ये पेड़ लग जाएंगे तब भी ये डिब्बा नहीं भरेगा, तो इसका तो रेट मेरे हिसाब से कम है। और एक अच्छी बात ये है, जब से मैंने इसको लेना स्टार्ट किया ना तब से मैं वो वर्कआउट कर रहा हूँ जो अपनी लाइफ में अब तक नहीं किया, या इम्यूनिटी, मैं यहाँ पर आया हूँ भले यहाँ पर बॉडी को 24 घंटे चाहिए होने के लिए, रात में परेशान था, मगर सुबह जब से मैंने पिया तब से मैं ढेर सारा वर्कआउट कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, सारी चीज़ कर रहा हूँ।